श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में अयोध्या जी से आए पूजित अक्षत एवं पत्रिका निमंत्रण को दुदई खंड के गुरवलिया में राम सेवकों ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ वितरण किया। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने पर दीप उत्सव मनाने को कहा जा रहा है। इस अवसर पर मंदिर के समारोह में शामिल होने के लिए घर घर पूजित अक्षत देकर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुदई के सहखंड कार्यवाहक गोपीचंद गुप्ता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को आमंत्रित किया। इस अवसर पर राजेश तिवारी, सावित्री कुशवाहा, पिंकी शर्मा, नूतन मिश्रा, महेश कुमार, मनु गुप्ता, बबलू जायसवाल, सुनील गुप्ता सहित आदि लोग मौजूद रहे। सभी लोगों को जैसे पता है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जिसके निमित्त उसके पूजित अक्षत को घर घर तक पहुँचाकर हर हिंदू परिवारों तक पहुँचाकर निमंत्रण दिया जाए दर्शन पूजन हेतु, ताकि समाज के सभी लोगों को ये पता चल सके कि भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है। इसी के लिए अयोध्या से आए पूजित अक्षत का वितरण हम लोग हर हिंदू परिवार में घर घर जाके कर रहे हैं। अभी कहाँ कहाँ हुआ है अक्षत? अभी हमने दुदही खंड के लगभग 70% गाँव में कर दिया है। यहाँ गुरुलिया ग्राम सभा में आज हम लोग अक्षत वितरण कर रहे हैं, हर हिंदू परिवारों तक पहुँचा जा रहा है। प्रभु श्री राम का आगमन जो है 22 जनवरी को हो रहा है, कितना मन में मतलब उत्साह है? ये बहुत ही बड़ा आयोजन है, बहुत ही मन में उल्लास है कि 500 वर्षों के अथक प्रयास और संघर्षों के बाद, अनेकों हजारों बलिदानों के बाद ये प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इसलिए मन में बहुत ही उल्लास है और उस दिन लोगों से ये आग्रह भी किया जा रहा है कि सभी लोग पहुँचें और वहाँ सभी लोग अपने अपने ग्राम सभा के मंदिरों में पूजन कीर्तन का आयोजन करें, घरों पर दीपक जलाएं और दिवाली जैसा उत्सव मनाएं। लोगों से क्या अपील है? लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि उस दिन दिवाली जैसा स्वरूप दिखे, सब लोग अपने घर में भोजन प्रसाद बनाए, कीर्तन भजन करें, दीपक जलाएं और गांव के मंदिरों पर जरूर इकट्ठे हों और उस दिन अयोध्या न पहुंच सकने की स्थिति में ग्राम सभा के हर मंदिरों पर अक्षत वितरण कर रही हैं। लोगों से क्या अपील कर रही हैं? हम गाँव में निकले हैं और अक्षत वितरण कर रहे हैं और लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि 22 जनवरी को घर घर दीप जलाएं और दिवाली जैसे उत्सव मनाएं। कितना मन में खुशी है प्रभु श्री राम? ज्यादा है, एक जैसे दिवाली को नहीं होती है उससे ज्यादा हम लोग को 22 जनवरी का इंतजार है और कहीं दिवाली से ज्यादा हम लोग को उत्सव मन में उस दिन का है जब राम हमारे मंदिर में आगमन करेंगे और 22 जनवरी को हम लोग धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। क्या कहेंगे, कितना मन में खुशी है? बहुत खुशी है।